नारायणगढ़ में एक अध्यापक की हत्या के संबंध में डीएसपी नारायणगढ़ ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस हत्याकांड के दो आरोपियों को अंबाला से गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के मुख्य आरोपी कुलदीप राणा व अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सेशन जज नामक अध्यापक की हत्या की गई थी। इस हत्या की साजिश में शामिल दो व्यक्तियों को काबू कर लिया गया है। टीचर की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उस संदर्भ में आज पुलिस ने दो गिरफ्तारियां की। प्रथम जो एक्यूज है उसका नाम है विजय और दूसरा है शुभम। पुलिस ने जो पूरी घटना थी वो किस प्रकार उसकी साजिश रची गई और किस प्रकार से उसको अंजाम दिया गया, कौन कौन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व थे, उन सभी को आइडेंटिफाई कर लिया है। विजय जो है वो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है और विजय को ही टास्क दिया गया था कि भाई जैसे ही जो वो टीचर हैं अपने घर से निकले, उनको जो आगे जो उनकी टीम थी जिसने मर्डर करना था उसको वो कन्वे करें कि इस टाइम पे ही निकल गए हैं। और दूसरा जो व्यक्ति है शुभम, विजय ने जब ये अपराध करने के बाद ये सारी वारदात शुभम को बताई और दो दिन से शुभम की शरण में था। आज इन दोनों व्यक्तियों को हमने अंबाला कैंट से गिरफ्तार किया, कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और इनका उचित रिमांड लिया जाएगा। तो सर जो अभी जो वायरल हुई थी मुख्य जो आरोपी था उसके लिए वो जो एज फार एज जो पोस्ट वायरल हुई थी वो हमारे संज्ञान में है और उसको भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और शीघ्र अतिशीघ्र जो जो इस प्रकरण में पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है हम उनको गिरफ्तार करेंगे। टीचर की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उस संदर्भ में आज पुलिस ने दो गिरफ्तारियां की। प्रथम जो एक्यूज है उसका नाम है विजय और दूसरा है शुभम। पुलिस ने जो पूरी घटना थी वो किस प्रकार उसकी साजिश रची गई और किस प्रकार से उसको अंजाम दिया गया, कौन कौन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व थे, उन सभी को आइडेंटिफाई कर लिया है। विजय जो है वो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है और विजय को ही टास्क दिया गया था कि भाई जैसे ही जो वो टीचर हैं अपने घर से निकले, उनको जो आगे जो उनकी टीम थी जिसने मर्डर करना था उसको वो कन्वे करें कि इस टाइम पे ही निकल गए हैं। और दूसरा जो व्यक्ति है शुभम, विजय ने जब ये अपराध करने के बाद ये सारी वारदात शुभम को बताई और दो दिन से शुभम की शरण में था। आज इन दोनों व्यक्तियों को हमने अंबाला कैंट से गिरफ्तार किया, कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और इनका उचित रिमांड लिया जाएगा। तो सर जो अभी जो वायरल हुई थी मुख्य जो आरोपी था उसके लिए वो जो एज फार एज जो पोस्ट वायरल हुई थी वो हमारे संज्ञान में है और उसको भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और शीघ्र अतिशीघ्र जो जो इस प्रकरण में पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है हम उसको गिरफ्तार करेंगे।